हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट्स ट्रेलर्स ऑटो कैट ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे आज कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हम ऑर्थोगोनल व्यूज किस तरह से दिखा सकते हैं और उसकी डायमेंशंस किस तरह से दिखा सकते हैं आप। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा। सो जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसका टॉप व्यू हमने ले रखा है। इसका सबसे पहले हमें लेआउट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके उस प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे न्यू लेआउट की ऑप्शन आ रही है, बट आपने न्यू लेआउट में नहीं जाना। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट्स, आपने टेम्पलेट्स क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, एक तो आपके पास ये ऑप्शन होगी और एक आपके पास डिफॉल्ट दो लेआउट यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, सो जैसे एक ये लेआउट आ रहा है और एक ये वाला लेआउट आ रहा है और दोनों लेआउट्स सेम है, बट इसमें टेम्पलेट्स कोई भी नहीं है मेरे पास। सो टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक में जाएंगे और फ्रॉम टेम्पलेट से हम टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, शीट सेट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम जाएंगे शीट सेट पे। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शीट सेट्स आ रही है, जैसे आर्किटेक्चर के लिए अलग आ रही है, एम्पेरिकल मेट्रिक के लिए अलग आ रही है। मेट्रिक होता है एमएम के लिए, एम्पेरिकल्स होते हैं इंचेस के लिए। ठीक है, तो आप यहां से सिविल के इंपेरिकल्स और मैट्रिक्स के शीट सेट्स निकाल सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंपेरिकल्स, इट मींस जो मैकेनिकल के प्रोडक्ट्स आप तैयार करते हो, डिजाइन करते हो, उनके लिए शीट सेट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सो इंडिया में हम एमएम में काम करते हैं, सो हम एमएम का ही शीट सेट यहाँ पे लेके चलेंगे, तो प्रीव्यू यहाँ से दिखा देगा। अगर सिविल का लेना है तो सिविल का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा आपको, आर्किटेक्चर का लेना है तो आर्किटेक्चर और सिविल का दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो मैकेनिकल का थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो हम मैकेनिकल का ओपन करेंगे। सो जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आईएसओ A3 टाइटल ब्लॉक, A3 मतलब A3 साइज का पेज होगा हमारे पास। सो जैसे हम इसको ओके करेंगे और यहाँ पे आपके पास लेआउट 1 लेआउट 2 के साथ आईएसओ A3 टाइटल ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपके पास। सो ये आपके पास एक शीट सेट आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह से आपके पास ये शीट सेट रहता है। ठीक है, ये आपको स्केलिंग दे रखी है, 1 2 3 मार्किंग्स दे रखी है। इस तरह से आपने कभी देखा भी होगा ड्राइंग्स में, तो आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए फाइल नेम आ रहा है आपके पास। ठीक है, काफी कुछ चीजें यहाँ पे पूछ रखी है आपसे, तो आप इन सभी को फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताता हूँ इसको फिल कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनहेंस्ड एट्रीब्यूट एडिटर, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट को हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे जैसे हमारे पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग मेट्रिक डॉट DWT, तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया, ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो आप इसमें फिर एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। सो टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे विड्थ फैक्टर की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रख सकते हो, एनोटेटिव रख सकते हो, ISO प्रोपोर्शनल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ जो आ रही है आपके पास उसको चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 0.75 वैल्यू दे देता हूँ, तो ये आपका बॉक्स में फिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें एडिटिंग कर सकते। डेट आपने चेंज करनी है, दोबारा से डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसमें डेट भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आपके पास आज 28th of May और 2020 आपका ईयर चल रहा है, तो इस तरह से आप इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और बाकी चीजें भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो अगर जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट आ रहे हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर एक पैच आ रहा है, तो अगर आप इस पैच को हटाना चाहते हैं, तो जैसे आपके पास यहाँ पे शीट आ रही है, तो शीट कौन सी आ रही है, ऑर्थोगोनल व्यूज की आ रही है। सो यहाँ पे ऑर्थो व्यूज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ओके किया तो आपके पास देख लीजिए पैच भी हट गया और टेक्स्ट भी आपके पास आ गया। स्केल भी आप इसी तरह से हटा सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्केल आ रहा है आपके पास और इसे बैकस्पेस 1:1, सो इस तरह से आपके पास स्केल फैक्टर भी आ जाएगा। अगर आप लोगो यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं तो लोगो भी प्लेस कर सकते हैं।
मेरे पास यहाँ पे एक लोगो आ रहा है डेस्कटॉप पे, सो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग आउट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रैग आउट कर लिया इसे, और इसे स्केल फैक्टर भी मेरे पास तो कुछ शो नहीं हो रहा है। मैं इसे स्केल फैक्टर दे देता हूँ 5 mm का, तो इस तरह से इसका स्केल फैक्टर आ रहा है। और यहाँ से इसका ऑर्थोगोनल ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम रोटेशन जो है 0 कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये प्लेस हो जाएगा, इसे मूव कर लीजिए, तो इस तरह से आपका लोगो भी प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज लेने हैं, ऑर्थोगोनल व्यूज और डायमेंशंस लेनी है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेआउट में चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल एंड स्टैंडर्ड्स में चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्रोजेक्शन टाइप चाहिए। हम इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में हम फर्स्ट एंगल में काम करते हैं, यूएसए जो है वो थर्ड एंगल में काम करता है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे फर्स्ट एंगल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है शेडेड व्यू क्वालिटी। तो व्यू क्वालिटी आपके पास आ रही है 50 dpi। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। आप इसको अलग अलग डॉट पर इंच में सिलेक्ट करके देख सकते हैं आपकी क्वालिटी किस तरह से आ रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट 100 dpi डॉट्स पर इंच ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्रीव्यू टाइप के किए, शेडेड किया हुए या बाउंडिंग बॉक्स कर रखा है, तो मैं यहाँ पे शेडेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेस में जाना है, और यहाँ पे फ्रॉम मॉडल स्पेस और फ्रॉम इन्वेंटर। तो इन्वेंटर तो आप यूज नहीं कर रहे हैं अभी, आप ऑटो गाइड यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो गाइड का लोगो भी लगा हुआ है, और आपसे पूछ भी रहा है कि मॉडल स्पेस। सो जैसे आप मॉडल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये मेरा मॉडल स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है। सो यहाँ से हम चले जाएंगे अगेन लेआउट में, और यहाँ पे बेस में जाके हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो व्यूज है वो ओपन हो चुके हैं। सो यहाँ पे इसका व्यूज चेंज भी कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे टॉप व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, है तो वैसे ये फ्रंट व्यू है, तो मैंने ये मॉडल व्यू में इसका टॉप व्यू सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से इसका टॉप व्यू ये आ रहा है। तो ओके करेंगे, इसके अलग अलग व्यूज भी आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसका आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से आ जाएगा। ओके, फिर इसको राइट क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं। ओके, देन अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपने इसे शेडेड व्यू में रखना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली शेडेड विद विजिबल लाइंस। तो यहाँ पे सभी की जो विजिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने सिंगल सिंगल चेंज करना है, तो इसे क्लिक कीजिए और सिंगल सिंगल को एडिट व्यू कर दीजिए, और यहाँ से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं विजुअल विद हिडन लाइंस। तो मैं विजुअल विद हिडन लाइंस इसे सेट कर देता हूँ। इसे भी क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट व्यू कर सकते हो, और विजिबल एंड हिडन लाइंस, तो विजिबल और हिडन लाइंस आपकी दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तो इसे आप सिलेक्ट कीजिए, एडिट व्यू कीजिए, और इसे आप शेडेड कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये आपका शेडेड हो जाएगा। और जिसको भी आप करना चाहते हैं सिंगल सिंगल, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद मान लीजिए मैंने ये वाला व्यू डिलीट कर दिया, ये वाला व्यू डिलीट कर दिया, और ये वाला भी व्यू डिलीट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास सिंगल ही व्यू है, तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट व्यूज किस तरह से ले सकता हूँ। मान लीजिए मुझे सेक्शन व्यू चाहिए, ठीक है, तो सेक्शन में आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आ जाएंगे। सो मैं इसका फुल सेक्शन व्यू लेना चाहता हूँ, तो मैं फुल सेक्शन व्यू सिलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन पूछेगा, तो मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए इसका टॉप से लेके बॉटम तक, और यहाँ से इसका आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू ओपन हो जाएगा। इसे ओके कर दीजिए, और इस तरह से इसका सेक्शन व्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये सेक्शन व्यू दिखा भी रहा है, तो इस टेक्स्ट को अगर आपने प्लेस करना है तो आप टेक्स्ट को भी प्लेस कर सकते हैं, इस तरह। सो जैसे अब इसके अंदर भी पैचेस आ रहे हैं, सो इस टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसे 1:1 दे देता हूँ, और यहाँ पे भी सेक्शन ए आ रहा है, सो यहाँ पे मैं सेक्शन ए दे देता हूँ, और यहाँ पे भी सेक्शन ए दे देता हूँ, और इसे क्लोज करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है।
ओके नेक्स्ट मान लीजिए हमें सिंगल ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्शन व्यू निकालना है, तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्रोजेक्शन व्यू, सो प्रोजेक्टेड कर सकते हैं आप इसे सिलेक्ट, तो आप देख सकते हैं इसका प्रोजेक्टेड व्यू यहाँ पे आ जाएगा। एंटर कर दीजिए तो इस तरह से इसका प्रोजेक्टेड व्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते थे अभी प्रीव्यू आया था आपके पास, तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है मान लीजिए डिटेल्ड व्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने डिटेल्ड व्यू दिखाने हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं लाइक इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेलिंग आ रही है, तो डिटेलिंग अगर ड्रॉप डाउन में चले जाओगे तो किस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ तो सर्कुलर में या तो रेक्टेंगल में, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारी डिटेलिंग होती है हम सर्कुलर दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इसे, मैं किसी पोर्शन पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहां से मैं इसका कॉल आउट निकाल लूंगा, तो इस तरह से इसकी डिटेलिंग आप दिखा सकते हैं। एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी डिटेलिंग भी दिखा सकते हैं, आप इसके टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं और इसके टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए तो इस तरह से आपके पास ये भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद अभी हम देखेंगे डायमेंशंस किस तरह से लेनी है, ठीक है। सो डायमेंशंस किस तरह से लेते हैं, हम एनोटेशन में चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको 3D में भी करवा रखा है, तो 3D में हम एनोटेशन में ही डायमेंशंस पिक करते हैं। ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर में चले जाएंगे सबसे पहले, तो कुछ जो डायमेंशन है वो यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं, लाइक ये वाले डायमेंशन है हमारे पास 74 आ रहा है। अगेन इसे एंटर करेंगे तो सेम ही कमांड हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ये जो थ्रेड्स आ रहे हैं इनकी डायमेंशन हमें पिक करने हैं, तो इस तरह से आप इसे पिक कर सकते हैं, ये देखिए। ओके देन हमारे पास ये डायमेंशन आ रही हैं, सो इस तरह से आपके पास ये सारी डायमेंशन आप यहां से पिक कर सकते हैं, ये देखिए। ओके सो यहाँ पे भी हम अगर डायमेंशन देना चाहते हैं तो देख लीजिए इसकी डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही हैं, और इसका अगर आपने ये वाली डायमेंशंस दिखानी है तो इस तरह से आप ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे डायमेंशंस भी दिखा सकते हो और अलग अलग इसकी व्यूज भी दिखा सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो हमने व्यूज भी चेक कर लिए किस तरह से हम व्यूज दिखा सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिखा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डायमेंशन हमें किस तरह से लेनी है, डायमेंशन भी हम दिखा सकते हैं। जो हमारा शीट सेट है उसका जो टेक्स्ट है हमें किस तरह से एडिट करना है वो भी एडिट कर सकते हैं। ओके और उसमें अगर हमने कोई इमेज प्लेस करनी है, लाइक लोगो आपने प्लेस करना है, तो आप लोगो भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई एडिशनल टेक्स्ट देना है तो आप वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे आप सिंपली लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कैड स्टाइलर्स और ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज, सो इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम टेक्स्ट की हाइट दे देते हैं 5 mm। ओके सो आप देख लीजिए इस तरह से आपके पास ये टेक्स्ट भी आ चुका है। सो इसे अगर आप मूव करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे आप ऑटोकैड में करते हैं उसी तरह से आप इसमें भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम इसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, सो कंट्रोल पी करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉटर, जो हमारे पास प्लॉटर कौन सा आ रहा है, DWF6EPlot.PC3, तो ये DWF फाइल जो है हमारे पास यहाँ पे प्लॉट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम हम डिफॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं सारी की सारी, तो यहाँ पे पेपर साइज कौन सा आ रहा है, ISO एक्सपेंड A3 297 और 420, सो ये हमारे पास पेपर साइज आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास प्लॉटेड एरिया कौन सा आ रहा है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटेड एरियाज आएंगे, तो अगर आपने डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर आपने एक्सटेंड करना है आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आपने लेआउट दिखाना है लेआउट दिखा सकते हैं, विंडो दिखाना चाहते हैं विंडो दिखा सकते हैं, ठीक है। सो ये चारों को मैं वन बाय वन कर लेता हूँ। जैसे डिस्प्ले में मान लीजिए जो भी डिस्प्ले हो रहा होगा वही यहाँ पे दिखाई देगा, आप प्रीव्यू देख सकते हैं उसका, ये देखिए जो भी डिस्प्ले हो रहा होगा वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं इसे सेंटर कर दूंगा तो प्रीव्यू देख लेते हैं, ये देखिए सेंटर पे आ गया, बट जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा वही आपको दिखाई देगा। ये मेरे लिए
ज्यादा सही नहीं रहेगा, तो एक्सटेंट में देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रीव्यू आता है इसका। ये देखिए एक्सटेंट में बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्मली आप एक्सटेंट भी यूज कर सकते हैं अगर आपने इस तरह से इसका फॉर्मेट चेंज करना है। और देन इसे हम लेआउट में देख लेते हैं, लेआउट का प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। लेआउट का प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, विंडो चेक कर लेते हैं। सो विंडो में हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप जो भी विंडो सिलेक्ट करोगे उसके अंडर ही सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये आ रहा है, और इसे हम सेंटर में प्रीव्यू कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए ये भी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आ रहा है, हमारे पास बहुत सही विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मेट को प्लेस कर सकते हैं, इसके एरिया को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छे जो थे, हमारे पास एक्सटेंट था और विंडो डिस्प्ले था। सो अगर आप लेआउट भी चेक कर लीजिए तो इस तरह से आपके पास लेआउट आ रहे हैं। मान लीजिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन कंट्रोल पी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफॉल्ट अगर मैं सारी की सारी वैल्यू रखूँ और इसे प्रीव्यू देखूँ तो आपके पास डायरेक्टली ये विजिबल रहेगा। बट अगर आप इसमें चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने चेंज करके देखा था एक्सटेंट और लेआउट, तो ये थोड़ा सा प्लॉट एरिया डिफरेंट शो करेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में प्लॉट कर सकते हैं। सो हम लेआउट में ही प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है, और इसे ओके कर देंगे तो हमारे पास डेस्कटॉप में हम इसे सेव कर देते हैं और इसे ओपन करके देखेंगे। तो हम इसे ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्लॉट हो चुका है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं एक बारी, तो हमारे पास अभी ये ओपन नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं, इसको ऑटो गाइड में ड्रैग कर लेते हैं, डायरेक्टली उसे ऑटो गाइड में ही ओपन करेंगे। और यहाँ पे अभी हमारे पास नई ड्राइंग ओपन नहीं है, तो हमें न्यू ड्राइंग ओपन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसे ड्रॉप करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमें विजिबल होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एंटर द नेम ऑफ द शीट। हमारे पास शीट का कोई नेम नहीं है अभी, मुझे पता ही नहीं है। तो ये वाला एक ब्लॉक आ रहा है मेरे पास, इसे हम क्या करते हैं एंटर कर देते हैं। पूछ रहे इंसर्शन पॉइंट, तो मैं इसे 0 0 पे ही पिक कर लेता हूँ। और पूछ रहे स्केल फैक्टर, हमें 1 ही रखना है और रोटेशन एंगल भी 0 रखना है। सो इसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास DWX की फाइल जो है इस तरह से विजिबल रहेगी, ठीक है। सो अगर आप इसका PDF फॉर्मेट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे DWG2 PDF आ रहा है, तो आप यहाँ से PDF का फॉर्मेट भी निकाल सकते हैं। सो जैसे आपके पास ये विजिबल हो रहा है और इसे हम ओके कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसे सेट कर लेंगे। तो फॉर्मेट क्या है, PDF नेम वही है, फॉर्मेट PDF जा रहा है, तो यहाँ पे ओवरराइट जा रहा है, नेम चेंज कर देंगे इसका, सेव। सो आप देख सकते हैं ये भी सेव हो चुका है। तो एक PDF मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था और यहाँ पे एक PDF ये भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और इसमें अगर आपने JPG इमेज निकालनी है या PNG इमेज भी निकालनी है, वो भी आप निकाल सकते हैं। सो लाइक अगेन कंट्रोल पी, और यहाँ पे इसके साथ ही आपके पास PDF के साथ ही पब्लिश टू वेब JPG, तो आप JPG इमेज भी निकाल सकते हैं। और इसे हम डिफॉल्ट पेपर साइज ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसका लेआउट का प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह से आ रहा है आपके पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंट में चले जाएंगे और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह से आपके पास आएगा, अभी भी सही नहीं आ रहा है। और फिट टू द पेपर हम यहाँ पे रख सकते हैं इसे और इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका प्रीव्यू है, वो इस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से इसका JPG आ रहा है, तो इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, 1 2 रख लेते हैं, ओके। सो ये JPG इमेज भी हमारे पास आ जाएगी, PNG इमेज भी। इसी तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो PNG आ रही है हमारे पास, यहाँ पे भी अगेन सेम वही डिफॉल्ट पेपर साइज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंट रख लेंगे, फिट टू द पेपर सेंटर रख लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। सो इस तरह से आपके पास ये वाला फॉर्मेट भी आ जाएगा, और बाद में इसे PNG को या JPG को क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये सारे साइजेस आ जाएंगे, आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं और इन्हें सेव कर सकते हैं।
और अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह से आप सेव कर सकते हैं, इस तरह से किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।